हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है एक मसाला। बहुत ही स्पाइसी एक रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाती है। इसके लिए चाहिए 6 अंडे उबले हुए, प्याज के बारीक स्लाइसेस 4 कप, टमाटर के बारीक स्लाइसेस 2 कप, अदरक लहसुन किसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्च कटा हुआ 1 छोटा चम्मच, धनिया पत्ती कटी हुई आवश्यकता अनुसार, नमक 1.5 छोटी चम्मच है आवश्यकता अनुसार, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी से 1 छोटी चम्मच, जीरा आधी छोटी चम्मच, तेल 5 से 6 बड़े चम्मच, घी 1 छोटी चम्मच है आवश्यकता अनुसार। उबले हुए अंडे लिए हैं। अब एक छुरी लेकर अंडे के चारों तरफ इस तरह से कट लगा लेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से हल्के हाथों से कट लगाना है। इससे अंडे के अंदर मसाले और ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से चले जाते हैं और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब सारे अंडों को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। एक पैन गरम कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब इसमें अंडे डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब इनको हिलाते हुए हल्का सा फ्राई करना है। ये बहुत ही हल्की तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल कर अलग रख देंगे। अब एक दूसरा पैन गरम कर लिया है। तेल डालेंगे 4 बड़े चम्मच। अच्छी तरह से तेल गर्म होने देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। एक तेज पत्ता डालेंगे और आधी छोटी चम्मच जीरा। इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें प्याज के बारीक कटे हुए स्लाइसेस डालेंगे 4 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे हल्का नरम होने तक पकाना है। 1-2 मिनट तक पका लेंगे। प्याज थोड़ा हल्का नरम हो चुका है। अब हरी मिर्च डालेंगे 1 छोटी चम्मच, अदरक लहसुन किसा हुआ 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे और सुनहरा रंग आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। करीब 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर प्याज हल्का नरम होने तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें टमाटर के बारीक स्लाइसेस डालेंगे 2 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब टमाटर हल्का नरम होने तक पकाना है। एकदम लो फ्लेम पर पकाना है। बीच बीच में थोड़ा सा चलाते हुए पकाते जाना है ताकि नीचे से ना जले। टमाटर नरम हो चुका है और इसमें से थोड़ा पानी भी निकल आया है। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। नमक 1-1.5 छोटी चम्मच है स्वादानुसार, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि अंडे ना टूटे। अब इसे ढककर 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब एक बार देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अंडे में ग्रेवी और मसाले का स्वाद बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच घी और कटी हुई धनिया पत्ती। बहुत ही हल्के हाथों से मिलाएंगे। एक मसाला पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बना है ये एक मसाला। आप रोटी, पराठा, नान, चावल, पुलाव सभी के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये एक मसाला रेसिपी बनाकर ज़रूर देखिए। अगर ये एक मसाला रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी अलग और एक्साइटेड रेसिपी के साथ। थैंक यू।